महंगाई पर विपक्ष के बढ़ते हमलों का सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें अभी भी कम है। प्याज की कीमत को कम करने के लिए उसका बफर स्टॉक जारी किया गया है और आलू एवं टमाटर की कीमतों को भी नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक बयान में कहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते से प्याज के बफर स्टॉक के चरणबद्ध तरीके से बाजार में जारी किया जा रहा है। पहले खरीदी गई प्याज को पहले बाजार में जारी किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक बफर स्टॉक जारी करने के परिणाम स्वरूप दिल्ली में 14 अक्टूबर को प्याज 44 रुपए किलो बिका, मुंबई में 45, कोलकाता में 57 और चेन्नई में 42 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। 14 अक्टूबर को पूरे देश में प्याज का औसत खुदरा भाव 37 रुपए 6 पैसे प्रति किलोग्राम रहा और थोक कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम। इसी तरह मंत्रालय ने बताया है कि प्याज की तरह ही आलू और टमाटर की कीमतों को भी कम स्तर पर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आलू का खुदरा भाव 20 रुपए और टमाटर का खुदरा भाव 56 रुपए प्रति किलोग्राम रहा, जबकि आलू का अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 21 रुपए 22 पैसे और टमाटर का 41 रुपए 73 पैसे प्रति किलो है, जबकि आलू का थोक मूल्य 1606 रुपए 46 पैसे प्रति क्विंटल और टमाटर का 3361 रुपए 74 पैसे प्रति क्विंटल है। एक साल पहले दिल्ली में आलू की कीमत 37 रुपए, प्याज की 43 और टमाटर की 45 रुपए प्रति किलोग्राम थी। विज्ञप्ति के मुताबिक बफर स्टॉक उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया गया है जहां कीमतें ज्यादा थीं और तेजी से बढ़ रही थी। 12 अक्टूबर तक दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, कोच्चि और रायपुर जैसे बड़े बाजार में कुल 67,357 टन प्याज जारी किया गया है। इसके अलावा कम गुणवत्ता वाले प्याज यानी ग्रेड बी को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्थानीय बाजार में जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि बाजार में बफर स्टॉक जारी करने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी स्थानीय स्टोरेज से 21 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज का बफर स्टॉक उठाने का प्रस्ताव किया गया। कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने अन्य सरकारी एजेंसियों को भी 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज देने की पेशकश की है। ढुलाई भाड़ा मिलाकर सफल को 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज देने की कोशिश की गई। विज्ञप्ति के मुताबिक इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच रबी की फसल से वर्ष 2021-22 के लिए प्याज का बफर स्टॉक 2.08 लाख टन बनाया गया, जबकि लक्ष्य 2 लाख टन बफर स्टॉक बनाने का था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।